हरितालिका तीज को लेकर शहर से लेकर गांव के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सुहागिन महिलाएं तीज को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं गरीब असहाय महिला भी आस्था का प्रतीक तीज सुविधा पूर्वक कर सके, जिसको लेकर समाज सेवक शशि शेखर रस्तोगी व भाभी मेयर प्रत्यक्षी रीता रस्तोगी द्वारा तीज व्रतधारी सैकड़ों महिलाओं के बीच सारी बस सुहाग की सामग्री वितरण की गई, ताकि सभी महिलाएं सुविधा पूर्वक अपना व्रत संपन्न कर सके। इस मौके पर रीता रस्तोगी व शशि शेखर रस्तोगी ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत काफी मायने रखता है। इसका कारण यह है कि इसी दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने का वरदान पाया था। भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागिन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबे समय तक बना रहता है। नेहा के साथ तृप्ति राय की रिपोर्ट। साड़ी श्रृंगार का सामान दे रही हूँ और जिससे उनका गीता सब अच्छे से मन सके। और बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं थी जिनको जो अपने लिए सामान नहीं खरीद सकती हैं, उनके बीच में मैं साड़ी और श्रृंगार के सामान का वितरण कर रही हूँ। इसके कारण उनको साड़ी और श्रृंगार का सामान रीता रस्तोगी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हर साल होता है, आने वाले समय में और दूसरा त्यौहार जैसे तीज के बाद जितिया आएगा, उसमें भी ऐसे ही सब लोग। कितने महिलाओं के बीच वितरित किया गया? करीब करीब 200 महिलाओं के बीच ये बांटा गया है।